स्वागत है आपका एच एज एडुकेशन हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग कंपनसेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ कंपनसेशन पॉलिसी के फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई इम्प्लॉई किसी ऑर्गेनाइजेशन को चुनता है तो वह बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है। उन सब फैक्टर्स में से कंपनसेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब कोई इम्प्लॉई किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उस काम के बदले जो मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स इम्प्लॉई को मिलता है उसे कंपनसेशन कहते हैं। मॉनेटरी कंपनसेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं वेजेस, सैलरी, कमीशन, बोनस। वहीं दूसरी ओर नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन के एग्जांपल्स हैं हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का स्कोप आदि। अच्छा, कंपनसेशन इम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन में तो अट्रैक्ट करता ही है, साथ ही साथ इम्प्लॉइज का काम से जुड़ा एंगेजमेंट को भी बढ़ाता है। और इतना ही नहीं, अच्छा कॉम्पनसेशन इम्प्लॉइज को अपना काम को परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट भी करता है। जहां तक बात कॉम्पनसेशन पॉलिसी की है, कॉम्पनसेशन पॉलिसी उन गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स को दिखाता है जिसको फॉलो करते हुए ऑर्गेनाइजेशन अपना कॉम्पनसेशन से जुड़ा डिसीजंस लेते हैं और यह तय करते हैं कि कौन से इम्प्लॉइज को कितना कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, कॉम्पनसेशन पॉलिसी को एक और तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। कॉम्पनसेशन पॉलिसी उस डॉक्यूमेंट को कहेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पनसेशन से जुड़ा प्रैक्टिसेस के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करता है। मतलब कॉम्पनसेशन पॉलिसी उस डॉक्यूमेंट को दिखाता है जिसमें यह बताया रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लॉइज को कितना कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करता है, कैसे कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करता है। मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लॉइज को मॉनेटरी टर्म्स में कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करता है या नॉन मॉनेटरी टर्म्स में कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करता है, या मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों टर्म्स में कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करता है, कब कौन सा इम्प्लॉय को कौन सा कॉम्पनसेशन मिलेगा। मतलब इम्प्लॉइज को बोनस कब मिलेगा, ओवर टाइम का पेमेंट कब मिलेगा, इक्विटी बेस्ड कॉम्पनसेशन कब मिलेगा आदि। आगे यह भी पता चलता है कि इम्प्लॉइज का कॉम्पनसेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कब कौन सा इम्प्लॉय को कौन सा कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। मतलब इम्प्लॉइज को बोनस कब और कैसे प्रोवाइड किया जाता है, इम्प्लॉइज को ओवर टाइम का पेमेंट कैसे प्रोवाइड किया जाता है आदि। इसके अलावा कॉम्पनसेशन पॉलिसी से यह भी पता चलता है कि इम्प्लॉइज को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करते समय ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा गाइडलाइंस, कौन कौन सा प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। जैसे इम्प्लॉइज को फेस्टिवल के समय बोनस देना, महीने के एक पर्टिकुलर डेट में इम्प्लॉइज को पेमेंट करना आदि। एक वेल स्ट्रक्चर्ड कॉम्पनसेशन पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन को एक बेहतर रिवॉर्ड सिस्टम बनाने में हेल्प करता है और इम्प्लॉइज को प्रॉपर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। अच्छा, कॉम्पनसेशन पॉलिसी के हेल्प से इम्प्लॉइज को जॉब सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड किया जा सकता है। कॉम्पनसेशन पॉलिसी का फ्रेमवर्क कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉम्पनसेशन पॉलिसी के फ्रेमवर्क के अलग अलग कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। पहला कंपोनेंट है इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस ऑफ जॉब। अच्छा कॉम्पनसेशन पॉलिसी बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है जॉब को एनालाइज करना और जॉब को इवैल्यूएट करना। जॉब को एनालाइज करते समय, इवैल्यूएट करते समय यह समझने का प्रयास किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रत्येक पोजीशन से जुड़ा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या टास्क है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है आदि। कहने का मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड करने पर इम्प्लॉइज को कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना होगा, कौन कौन सा टास्क परफॉर्म करना होगा, उस पर्टिकुलर पोस्ट पर काम करने के लिए इम्प्लॉइज के पास कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए आदि। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब को दूसरे जॉब से कंपेयर किया जाता है ताकि जॉब के लिए एप्रोप्रिएट कॉम्पनसेशन को डिसाइड किया जा सके। आगे किसी पर्टिकुलर जॉब का महत्व को समझने के लिए उसे ऑर्गेनाइजेशन के बाकी जॉब के साथ कंपेयर किया जाता है ताकि यह जाना जा सके कि बाकी जॉब की तुलना में कोई पर्टिकुलर जॉब कितना इम्पोर्टेंट है। अगला कॉम्पोनेंट है फिलोसफी रिलेटेड विद कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन से जुड़ा फिलोसफी यह बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन से बात को ध्यान में रखकर कॉम्पनसेशन पे करती है और कॉम्पनसेशन का स्ट्रक्चर को डिजाइन करती है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन
कॉम्पनसेशन का स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टैलेंट्स को लाया जा सके या कॉम्पनसेशन इम्प्लॉयज को रिवॉर्ड देने के लिए डिजाइन किया जाता है या कॉम्पनसेशन का स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि इम्प्लॉयज को रिटेन किया जा सके। हाँ, यहाँ एक बात कहना जरूरी हो जाता है कि फिलोसॉफी को डिजाइन करते समय ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लॉयज से जुड़ा अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में ध्यान देना होता है। अगला कंपोनेंट है एनालिसिस ऑफ मार्केट। कॉम्पनसेशन पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए मार्केट को प्रॉपरली एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। मार्केट को एनालाइज करते समय यह समझने का प्रयास किया जाता है कि मार्केट में बाकी ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लॉयज को किस प्रकार कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कॉम्पनसेशन से जुड़ा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या है, मतलब कॉम्पनसेशन से जुड़ा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के बारे में पता लगाया जाता है और कॉम्पनसेशन से जुड़ा मार्केट रेट को जानने का प्रयास किया जाता है। इस एनालिसिस से ऑर्गेनाइजेशन को एक और फायदा यह भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन यह जान पाती है कि उसके द्वारा सेट किया गया कॉम्पनसेशन पॉलिसी मार्केट के हिसाब से है कि नहीं। अगर है तो ठीक, अगर मार्केट के हिसाब से नहीं है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को अपना कॉम्पनसेशन पॉलिसी को मार्केट के हिसाब से सेट करना चाहिए। अगला, एड्रेसिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स। कॉम्पनसेशन पॉलिसी का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है जिसे प्रॉपरली एड्रेस करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि एक बैलेंस्ड कॉम्पनसेशन का स्ट्रक्चर को बनाया जा सके। चलिए उन एस्पेक्ट्स को एक एक कर पढ़ते हैं। पहला एस्पेक्ट है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी एक फिक्स्ड अमाउंट को दिखाता है जो इम्प्लॉयज को काम को परफॉर्म करने के लिए पे किया जाता है। जॉब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखने के बाद इम्प्लॉयज का बेसिक सैलरी को फिक्स किया जाता है। अगला एस्पेक्ट है एडिशनल पेमेंट। जब कोई इम्प्लॉय किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव कर लेता है तो उसे सैलरी के अलावा कुछ और पेमेंट भी दिया जाता है जो कि एडिशनल पेमेंट को दिखाता है, जैसे बोनस हो गया, इंसेंटिव हो गया, अवार्ड हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग हो गया आदि। एडिशनल पेमेंट इम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। जैसा इम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस होता है उसी हिसाब से इम्प्लॉयज को एडिशनल पेमेंट मिलता है। अगला एस्पेक्ट है एडिशनल बेनिफिट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लॉयज को मॉनेटरी पेमेंट्स के साथ साथ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब सैलरी और बोनस के साथ साथ कुछ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि कॉम्पनसेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। एग्जाम्पल, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेड हॉलीडे, स्टॉक ऑप्शंस आदि। यह एडिशनल बेनिफिट्स इम्प्लॉयज को अट्रैक्ट और रिटेन करने में हेल्प करता है। अगला एस्पेक्ट है रिकॉग्निशन। कॉम्पनसेशन का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो कि है इम्प्लॉयज के किए गए काम को रिकॉग्नाइज करना। एग्जाम्पल, बेस्ट इम्प्लॉयज का अवार्ड हो गया, इम्प्लॉयज ऑफ द ईयर का अवार्ड हो गया, इम्प्लॉयज को प्रमोशन देना हुआ, इम्प्लॉयज को अच्छे काम के लिए एप्रिसिएशन और मोटिवेशन प्रोवाइड करना हो गया आदि। अच्छा, ये तो हुआ कॉम्पनसेशन पॉलिसी का अलग अलग एस्पेक्ट। चलिए कॉम्पनसेशन पॉलिसी के फ्रेमवर्क का बाकी कॉम्पोनेंट्स को पढ़ते हैं। अगला कॉम्पोनेंट है पेमेंट बेस्ड ऑन मेरिट। पेमेंट बेस्ड ऑन मेरिट का मतलब हुआ इम्प्लॉयज के कॉम्पनसेशन को इम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस से जोड़ देना, मतलब इम्प्लॉयज जैसा परफॉर्म करेगा उसे उसी हिसाब से कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर इम्प्लॉय एवरेज परफॉर्म करेगा तो उसे नॉर्मल कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इस सिस्टम को लाने के लिए परफॉर्मेंस से जुड़ा एक क्लियर क्राइटेरिया सेट करना होता है कि इम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए जिसके लिए इम्प्लॉय को ज्यादा कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लॉय के परफॉर्मेंस से जुड़ा रेगुलर फीडबैक इकट्ठा करने का प्रोविजन बनाना होगा और इम्प्लॉयज के अचीवमेंट के हिसाब से इम्प्लॉयज को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना होगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन अराइज ना हो। अगला कंपोनेंट है मेंटेनिंग इक्वालिटी। ऑर्गेनाइजेशन को यह अश्योर करना होगा कि इम्प्लॉयज को दिया जा रहा कॉम्पनसेशन फेयर हो, जस्टिफाइड हो और जॉब या पोस्ट के अनुसार हो। ऐसा ना हो कि एक ही पोस्ट में अलग अलग इम्प्लॉयज को अलग अलग पेमेंट किया जाए। इम्प्लॉयज को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करते समय
इम्प्लॉयज का रिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्प्लॉयज का ड्यूटी, इम्प्लॉयज का एक्सपीरियंस, इम्प्लॉयज का स्किल और परफॉर्मेंस को कंसीडर किया जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में समय समय पर कॉम्पनसेशन पॉलिसी का रिव्यू होना चाहिए और पॉलिसी को समय के साथ साथ रिक्वायरमेंट के अनुसार अपडेट भी करते रहना चाहिए ताकि इम्प्लॉयज के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और इक्वालिटी बना रहे। अगला कंपोनेंट है लीगल एस्पेक्ट। हर एक कंट्री में लेबर से जुड़ा, इम्प्लॉयमेंट से जुड़ा लॉज बना होता है और कंपनसेशन पॉलिसी बनाते समय इन लॉज का ध्यान रखना चाहिए और लॉज के अनुसार ही कंपनसेशन का स्ट्रक्चर को डिजाइन करना चाहिए। मतलब लॉ के अनुसार इम्प्लॉयज को वेजेस या सैलरी प्रोवाइड करना चाहिए, जरूरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करना चाहिए। आगे बदलते लॉ के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी अपडेटेड रहना होगा ताकि कॉम्पनसेशन पॉलिसी लॉ के हिसाब से बनाया जा सके। अगला कॉम्पोनेंट है इम्प्लॉय अवेयरनेस। ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वह इम्प्लॉय से क्लियरली कॉम्पनसेशन से जुड़ा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करे और इम्प्लॉयज को कॉम्पनसेशन पॉलिसी के बारे में अवेयर करे और यह बताए कि ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लॉयज को कैसे कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करती है, ऑर्गेनाइजेशन में बोनस, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या इंक्रीमेंट पाने का क्या क्राइटेरिया है और कैसे परफॉर्मेंस के हिसाब से इम्प्लॉयज को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। प्रॉपर और क्लियर कम्युनिकेशन की सहायता से इम्प्लॉयज का कॉम्पनसेशन पॉलिसी से जुड़ा और कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर से जुड़ा अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होता, इम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन पर ट्रस्ट बढ़ता है और इम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ता है।